सो हे गाइस, वेलकम टू आउटफ्लिक। मैं जानता हूँ मैं लगभग 3 हफ्तों से कोई वीडियो नहीं डाला, बिकॉज़ बीच में मेरा तबीयत ख़राब था और काम के चलते थोड़ा बहुत बिज़ी भी था। बट डोंट वरी, आज एक आपको SSD का अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगा। पर उससे पहले इंट्रो। तो यार गाइस, आप देख रहे हैं आउटफ्लिक और मैं ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आउटफ्लिक। तो यार ये प्रोडक्ट 2 हफ्ते पहले ही आ चुका था, बट जैसे ही मैंने इसको अनबॉक्स किया, मैंने देखा इसका बॉक्स का जो पैकेजिंग है ये थोड़ा सा ब्रोकन है, सील थोड़ा सा टूटा हुआ लगा मेरे को, और तो इसलिए मैंने इसको रिप्लेसमेंट पर डाल दिया। अमेज़ॉन वालों को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, खास करके पैकेजिंग के ऊपर। देख सकते हैं किस तरीके से आया है। तो मैंने रिप्लेसमेंट पर डाल दिया और रिप्लेस होने के बाद भी ये कुछ इसी तरीके का आया, आप देख सकते हैं अपने आपके सामने है। पता नहीं भाई अमेज़ॉन वालों का क्या सीन है या अमेज़ॉन पे जो सेलर है उन लोगों का क्या सीन है। आप देख सकते हैं इतना महंगा चीज़ है। इसका जो SSD का जो बॉडी होता है वो प्लास्टिक बॉडी होता है, हार्ड डिस्क की तरह नहीं कि मेटल का बॉडी होगा, तो ये टूट सकता है। थोड़ा सा पैकेजिंग के ऊपर पता नहीं इन लोगों का क्या सीन है, इतना महंगा चीज़ हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ मुझे मार्केट प्राइस से थोड़ा सा सस्ता मिला, बट फिर भी पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो यार जैसे कि हमने देखा ये कुछ इसी तरीके का पैकेजिंग में आता है। नॉट ओनली मेरा, मैंने जितने भी दोस्तों को बोला था उन्होंने परचेस किया, उनका भी ऑलमोस्ट सेम सेम हालत में ही आया है। बट इसके अंदर का जो चीज़ है लकीली नहीं टूटा है, हालांकि मैंने एक बार रिप्लेस करवा लिया था, बट फिर भी वो चीज़ भी टूटा हुआ नहीं आया था, इतना तो मानना पड़ेगा। बाकी अब हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की तरफ और कुछ कंक्लूजन के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो यार भाई लोग, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जो भी मन करे या जो भी आप लिखना चाहते हो प्लीज़ लिखें। इससे मेरे वीडियो को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और सबसे बड़ी मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोज़ बनाने का। इस SSD का स्पीड टेस्ट करने के लिए हमें SSD को इस एडाप्टर के थ्रू कनेक्ट करना होगा। और अगर आपको इसका रिव्यू देखना है या फिर नहीं पता क्या कैसे ख़रीदना है, किस तरीके का होता है, तो आपको आई बटन पर इसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्पीड टेस्ट करने के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेंगे। दोनों का अलग अलग काम है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। एक का नाम है क्रिस्टल डेस्क इन्फो और दूसरे का नाम है क्रिस्टल डिस्क मार्क। तो क्रिस्टल डिस्क इन्फो जो है वो आपको बताता है आपका SSD कितना परसेंट अच्छा है, मतलब उसका जो हेल्थ है वो दिखाता है। जैसे कि ये 500 GB वाला जो आप अभी देख रहे हैं, जो हमने अभी ख़रीदा है, वो 100% गुड दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये ठीक ठाक है। वहीं अगर हम अपने सी ड्राइव पर जाए, जो कि मैंने फेब्रुअरी में लिया था, तो ये काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, 240 GB का, ये 98% पर आ चुका है, हेल्थ गुड है। बट अब देख सकते हैं कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो किस तरीके का है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। हालांकि मैं इसको 100% एक्यूरेट तो नहीं मानूंगा, बट हाँ ये जो दिखाता है इसके आसपास ही होता है चीज़ें। और इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता है, वो मैं सारी चीज़ें अभी आपको नहीं बता सकता। बाकी मैं इसका हेल्थ टेस्ट करने सॉरी मैं इसका स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ, पर मैं 500 GB वाला टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो USB के थ्रू कनेक्टेड है। तो आप जो स्पीड टेस्ट है वो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मेरे लैपटॉप में इंटरनली फिट है वो मैं टेस्ट करने वाला हूँ 240 GB का, क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी का है, मॉडल भी सेम है, तो स्पीड में कोई डिफरेंसेस नहीं देखने मिलेगा। जो तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 GB का स्पीड कितना होगा। 240 GB का हम अभी स्पीड टेस्ट कर रहे हैं और इसका रीड स्पीड 500 MB से ऊपर जा चुका है। तो इसको थोड़ा कंप्लीट होने देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यार स्पीड टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं रीड स्पीड कितना है, राइट स्पीड कितना है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पर यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि 2500 से भी कम प्राइस पर मैंने लिया था, बट अभी इसका प्राइस थोड़ा सा हाई हो चुका है, बट फिर भी मैं मानूंगा कि ये काफ़ी कम प्राइस है। 500 GB SSD वो भी 3000
के अंदर अंदर काफ़ी कम है, या फिर आप 240 GB का भी ले सकते हो। मैंने 2000 पे लिया था, अभी इसका प्राइस कम हो चुका है 1750 में। पर अगर आपका जो लैपटॉप है या पीसी है वो हेवी यूजेस है, यानी कि आप काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सस्ता नहीं, थोड़ा सा महंगा वाला वेस्टर्न डिजिटल का ये वाला SSD आप ले लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका रेटिंग्स, और सिर्फ रेटिंग्स ही नहीं, ये इसका जो लाइफ स्पैन है ना वो क्रूशियल से काफ़ी ज़्यादा है। वेस्टर्न डिजिटल का लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है, प्राइस भी थोड़ा सा हाई होता है बट लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, और इसका जो स्पीड है, स्पीड आपको थोड़ा सा कम मिलेगा क्रूशियल से, ठीक है। तो क्रूशियल से स्पीड थोड़ा सा कम मिलेगा बट लाइफ स्पैन ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। बाकी ये क्रूशियल की तरफ से ये जो महंगा वाला आता है 250 GB का, इसका लाइफ स्पैन भी नॉर्मल वाले जो BX500 जो है उससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इसका लाइफ टाइम ज़्यादा है, तो आप चाहो तो ले सकते हो, बट फिर भी वेस्टर्न डिजिटल का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक वर्ड में बात करूँ, अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप थोड़ा सा कम चलता है तो आप क्रूशियल की तरफ जाइए, स्पीड ज़्यादा मिलेगा, प्राइस भी बहुत कम में मिलेगा। बट अगर आपका हेवी यूजेस है, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो या बहुत ज़्यादा हेवी वर्क करते हो, देन आप वेस्टर्न डिजिटल की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है रिलायबल ज़्यादा देखने को मिलेंगे और उसका जो लॉन्गजेविटी है वो ज़्यादा होंगे क्रूशियल से, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन पर जो मन करे लिख दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। और मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप देखते रहिए आउटफ्लिक।